सो भैया आप अपनी गाड़ी सही तरीके से कैसे चलाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी गाड़ी सही तरीके से कैसे चलाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पीके ड्राइवर और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूं जो कि आप गाड़ी कैसे चलाएं। तो गाइस यहां पे आप देख रहे हैं ये रोड है, यहां पे जो कि हाईवे भी है और सिंगल रोड भी है और डबल भी रोड है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगल रोड पे जा रहा हूँ उल्टी साइड, क्योंकि मुझे हाईवे पे चढ़ना है। ये हाईवे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये झाड़ी वगैरह है यहाँ पे हाईवे, इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे गाइस आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाएं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप गाड़ी कैसे चलाएं। देखिए गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी स्टार्ट है और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को बहुत आराम से चलाऊंगा। फर्स्ट गियर लगाऊंगा क्लच दबा के और इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने का तरीका क्या होता है। जैसे ये गाड़ी आ रही है, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट साइड वाला इंडिकेटर जला के रखा है और उनको भी पता है क्योंकि उनको लेफ्ट साइड मुड़ना था, तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी को सही तरीके से मोड़ लिया। डिसीजन गाइस क्या होता है कि जैसे हमें राइट साइड जाना है अब यहाँ पे हाईवे पे, तो हम अपनी गाड़ी को जो चलाने का सही तरीका होता है, अब यहाँ से मैं जाता फिर वहां जाता, कहीं लौट के वापस जाता, तब हाईवे पे आता। बट यहाँ पे कट था तो मैंने राउंड साइड से जो है कट किया और हाईवे के रोड पर लेन में आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि जब सेकंड गियर में है मेरी गाड़ी, अब थर्ड गियर में मैं डाल रहा हूँ और गाड़ी स्पीड के मेंटेन करते हुए अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ सामने से एक बाइक आ रही, बस अपनी लेफ्ट साइड हमने मिरर में देखा और अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड दबा लिया। और जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे जैसे कि राइट साइड हाईवे पे चलना है, अब मैंने राइट साइड वाला अपना जो है इंडिकेटर दे दिया, राइट साइड वाले मिरर में देख रहा हूँ कोई गाड़ी आ रही बट बहुत दूर है, और बीच वाले मिरर में देखा गाड़ी हमारी अभी बहुत दूर की स्थिति है और अपनी गाड़ी आराम से हम स्लो स्लो मतलब कि ज्यादा स्पीड में नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि गाइस मोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। और जब भी हाईवे पे चलेंगे कम स्पीड पे, तो जो गाइस यहाँ पे आप तीन लाइन देख रहे हैं तो हम बीच वाली लाइन में चलेंगे, क्योंकि ओवरटेकिंग गाइस हम राइट वाली रोड से करेंगे जो सबसे लास्ट होती है, वहां पे गाइस जब हमें ओवरटेक करना होगा तो क्यों ओवरटेक करेंगे, जब बीच वाली लेन में कोई गाड़ी होगी तभी हम ओवरटेक राइट साइड से करेंगे क्योंकि वो आराम से चल रही होगी। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड हाईवे से रुकना है लेना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला अपना इंडिकेटर जला दिए, लेफ्ट साइड वाले मिरर में देख लिए कोई नई गाड़ी है सही है। अब एक पीछे गाड़ी आ रही थी उसको हम अपना आराम से चच करते हुए निकल गए। अब तरीका गाइस क्या होता है गाड़ी चलाने का, जब हमको आता है चलाना गाड़ी तो हमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि नए बिगनर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कितनी स्पीड में गाड़ी हमें मोड़नी चाहिए, कितनी स्पीड में गाड़ी को हमें हाईवे पे अपने लेके चलना चाहिए, किस लाइन में चलनी चाहिए, ये चीजें नहीं पता होती है। अब जैसे कि मुझे हाईवे पे नहीं जाना है, अब नीचे मुझे सर्विस रोड पे जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ राइट साइड से अपना जो है मिरर में साइड देखते हुए लेफ्ट साइड अपनी गाड़ी चला रहा हूँ दबा के, क्योंकि जिसको जाना है तो राइट साइड से अपना ओवरटेक करके निकल जाएगा। अब बात इस जगह पे आती है कि मैंने उनको क्यों जगह दी, क्योंकि मुझे इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं लेके चलनी है तो मैं राइट साइड की जगह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गए बहुत बड़ा चौराहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ सिग्नल खुला हुआ है, सुबह का टाइम है। अब यहाँ पे गए देखा कि चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं बट मैं बहुत आराम से अपनी गाड़ी को निकाल रहा हूँ बहुत सही तरीके से, क्योंकि जब भी आप गाड़ी इस तरीके की जगह निकालें तो आप बहुत सावधानी करें रखेंगे और आराम से अपनी गाड़ी निकालेंगे। यहाँ पे गए सिग्नल कोई अभी नहीं था तो गाड़ी मैंने निकाल ली, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल होता तो मैं नियमों का पालन जरूर करता। तो कारण क्या है गए गाड़ी चलाने का, देखिए जब हम गाड़ी चला लेते हैं तब तो ठीक है हर चीज मुझे परफेक्ट पता है, और जैसे नहीं पता होती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप सभी लोगों को ये चीज बता रहा हूँ और जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी आप अपनी गाड़ी चलाएं तो हर एक पॉइंट का अपने दिमाग में रख के चलें कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है। गाड़ी चलाते समय जब भी हमें लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला अपना हम इंडिकेटर देंगे, लेफ्ट साइड वाले मिरर में देखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे गए दूरी पे मुझे 100 मीटर से लेफ्ट साइड मुड़ना है, लेफ्ट साइड वाला मैं यहाँ पे 50 मीटर पहले से लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर दे दिया, लेफ्ट साइड वाले मिरर देखा पीछे कोई
गाड़ी है नहीं, राइट साइड है कोई नहीं, अभी जब मैं अपनी लेफ्ट साइड गाड़ी मोड़ रहा हूँ बहुत आसानी से, अभी सामने से गाड़ी आ रही निकल जा रही थी, अब ये सामने से ये भी आ गई। जब मुझे पता होगा कि हमारी गाड़ी कितने कंट्रोल होगी तो हम अपनी गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर लेंगे। लेफ्ट साइड इंडिकेटर चलाने का कारण यही होता है कि जो भी सामने वाला या लेफ्ट साइड से कोई आ रहा है तो उसको पता हो जाता है कि हमारी गाड़ी और अगले की गाड़ी किस डिसीजन मोड़ रही। अब हमें राइट साइड मोड़ना है, राइट साइड से दो गाड़ियां आ रही, बट मैंने इंडिकेटर दे दिया तो उनको ये पता चल गया कि ये राइट साइड जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। अब किस तरीके से अपनी गाड़ी भी सुरक्षित है और पीछे जो भी व्यक्ति है या जो भी गाड़ी है वो भी सुरक्षित आराम से चला रहे। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाएं सही तरीके से। और गाइस आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, किसी प्रकार से सुझाव जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझसे बता सकते हो। तब तक लिए ओके बाय, जय हिंद।